नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भगवान श्री हरि गणेश जी की कृपा दृष्टि से अपने जीवन काल में आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे और आप अपने घर में बहुत ही स्वस्थ भी होंगे। और दोस्तों मैं भगवान श्री हरि गणेश जी से आपके लिए हमेशा प्रार्थना करूंगा कि आपको जीवन में हमेशा खुश रखें और आपको दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की दें। दोस्तों हम आप सभी प्यारे भक्तों को बता दें कि दोस्तों कि आप लोग अब हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों आपके एक छोटी सी गलती के कारण दोस्तों आपको अपने हंसती खेलती ज़िंदगी से हाथ भी धोना पड़ सकता है जी। दोस्तों तो आप लोग अभी भी समय रहते सावधान हो जाइए इस गलती को करने से। अगर आप इस गलती को करते हैं अगले 24 घंटे के भीतर तो आपको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है और आपके ज़िंदगी में इन 24 घंटे के भीतर जो बड़ी घटनाएँ घटने वाली हैं दोस्तों से देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों इस घटना से आपकी पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएंगी। तो आप लोगों से दोनों हाथ जुड़कर निवेदन करता हूँ, अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है तो आप लोगों को यह समय रहना होगा सावधान। दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों कि अगर आप सावधानियाँ नहीं बरतेंगे तो आपके लिए ही बड़े खतरे या समय हो सकते हैं। तो आने वाले 24 घंटे तक आने के 21 जून 2023 को आप लोगों को रहना होगा बहुत ही संभल कर और बहुत ही सावधानी पूर्वक से। तो आप लोगों को क्या सावधानियां इन 24 घंटे के भीतर रखनी पड़ेगी, कौन सी गलतियों को करने से बचना होगा, दोस्तों हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारियां सच बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आने वाले 24 घंटे का समय आने की 21 जून का दिन आप सभी इस भक्तों के लिए कैसा लेकर आ रहे हैं। दोस्तों आज के दिन आपके जीवन काल में भगवान गणेश जी की दृष्टि से क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्या क्या बदलाव होंगे, तो आप लोगों को क्या बड़ी खुशियाँ भी मिलने वाली हैं। आज के दिन आप लोगों को किन किन क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति होने वाली है तो किन किन क्षेत्रों से आप लोगों को आज नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। और साथ ही आज आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेंगे, आपकी नौकरी, आपका स्वास्थ्य, प्रेम संबंध, आर्थिक स्थिति, घर परिवार का माहौल, विद्यार्थियों के लिए समय और आपके धन की स्थितियां कैसे रहने वाली हैं। दोस्तों हम आप लोगों को संपूर्ण जानकारियां 100% सच और सटीक भविष्यवाणी करके बताऊंगा। तो आज की यह वीडियो आप सभी भक्तों के लिए बहुत ही खास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मेहनत से आप सभी के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनते हैं, तो आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी भूल से मिस ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखें, तभी आप आने वाले मुसीबत से बच सकते हैं जी। दोस्तों तो आइए दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं, उससे पहले भगवान श्री हरि गणेश जी के जो भी सच्चे और प्यारे भक्त हैं इस वीडियो कभी कभी अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से जय श्री हरि गणेश जी जरूर लिखें, आपकी सारी मनोकामनाएँ जल्दी ही पूर्ण हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इस दिन के पंचांग के बारे में। दोस्तों इस दिन बुधवार का दिन है और बुधवार का दिन भगवान गणेश जी का पावन दिन रहने वाला है। दोस्तों आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि शाम 3:10 के उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएंगी और दोस्तों अश्लेषा नक्षत्र का निर्माण होने जा रहे हैं। और दोस्तों अगर सूर्य की बात करें दोस्तों व्याघात योग मध्य रात्रि 2:34 के उपरांत हर्षण योग प्रारंभ हो जाएंगे और राहु काल के समय की बात करें अर्थात दिन का पहले अशुभ समय की बात करें दोस्तों दोपहर 12:28 से लेकर के शाम 2:09 रहेंगे। या समय अवधि में आप लोग अपने जीवन काल में कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल ही भूल से प्रारंभ ना करें, अन्यथा आपके शुभ कार्य में किसी प्रकार के संकट या फिर बाधाएं भी आ सकती हैं। और दोस्तों अगर अग्रिम रश समय की बात करें अर्थात दिन का बेहद ही शुभ समय की बात करें तो सुबह 10:47 से लेकर के दोपहर 12:28 तक रहेंगे। या समय अवधि में आप लोग अपने जीवन काल में कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल ही प्रारंभ कर सकते हैं। और सूर्य इस दिन मिथुन राशि पर है और चंद्रमा
कर्क राशि पर संचार करेंगे पूरा दिन और पूरा रात। दोस्तों ऐसे में समस्त ग्रहों के चाल आपके राशि पर कैसा प्रभाव पड़ने वाले हैं, आइए हम आप लोगों को सारे जानकारी बताएंगे और क्या सावधानी आप लोगों को आज रखनी पड़ेगी, कौन सी गलतियां करने से आपको आज बचना होगा। दोस्तों हम आपको सारी जानकारी बताएंगे, तो आप लोग दिल थाम कर बैठिए शुरू से लेकर अंत तक। दोस्तों समस्त ग्रह और सितारों की चाल से यह जानकारियां प्राप्त हो रही है कि दोस्तों आने वाले यह दिन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा दिन लेकर आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों आज के दिन आप लोगों को कुछ गलतियां करने से बचना होगा। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को हम बता दें कि दोस्तों कि अगर आज के दिन आप लोग कहीं पर भी दोपहिया वाहन से सफ़र कर रहे हैं या फिर आप मार्केट जा रहे हैं, कहीं पर भी आप बराबर जाते हैं दोपहिया वाहन से, या फिर आप कहीं पर नौकरी करते वहाँ पर जा रहे हैं अगर दोपहिया वाहन से, तो आप लोगों को आज जल्दबाजी करने से, हड़बड़ी करने से और आज आप लोगों को ज़्यादा स्पीड करने से बचना होगा, नहीं तो आपको अपनी हस्ती खेलती ज़िंदगी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। दोस्तों आज के दिन आप लोग वाहन जितना ही संभल कर चलाएंगे दोस्तों उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर भी रहेंगे और आप आने वाले मुसीबत से भी बच सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि आज के दिन आप लोग अपने जीवन में कोई भी कार्य हड़बड़ी में बिल्कुल भी ना करें, आज आप जो भी कार्य करें दोस्तों उसे सोच समझ कर और संभल कर करें। दोस्तों आज आपकी एक छोटी सी गलत कदम दोस्तों आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं, तो आप लोग इस बात को या समय ध्यान रखना और ऐसी गलती इन 24 घंटे के भीतर मत करना और आज के दिन आप लोगों को लड़ाई झगड़े से भी दूर रहने का काफ़ी प्रयास करना होगा। दोस्तों आज अगर आपके परिवार में झगड़े हो रहे हैं या फिर आपके आस पड़ोस के लोग में हो रहे हैं, आपके गांव घर में हो रहे हैं, आपके पड़ोसी में हो रहे हैं, तो आप लोगों को वहाँ जाने से खुद को रोकना होगा। आपको आज लड़ाई झगड़े से जितना ही आप दूर रहेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे, नहीं तो कुछ बड़ी समस्या आपको आज झेलनी पड़ सकती है। तो आप लोगों को आज ऐसे छोटे छोटे गलतियां करने से बचना होगा और साथ ही आज आप लोग किसी भी अपने दोस्त के साथ जाकर कहीं पर भी कुछ गलत कार्य भी आपको करने से बचना होगा, नहीं तो आपकी आज एक छोटी सी गलती दोस्तों आपको आज कानूनी मामले तक भी ले जा सकती हैं, तो आप लोगों को आज थोड़ा रहना होगा सावधान। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आपको जीवन के हर छोटी छोटी बातों को आपको बहुत ही समझदारी तरीके से रखना पड़ेगा, हर कार्य को आप लोगों को बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ेगा। दोस्तों जीवन में कभी भी कोई भी फैसला लो, कोई भी कार्य करो, जल्दबाजी मत करो, ना ही हड़बड़ी में करो, दोस्तों से बहुत ही सोच समझ कर करो, जो आपको अच्छा लगे वही आप करें जी दोस्तों, तो ही आप लोगों के लिए बेहतर भी हो सकते हैं। और दोस्तों हम आप सभी को बता दें दोस्तों कि आज आपको अपने करियर और कारोबार से जुड़ी कुछ बड़ी शुभ सूचना सुनने को मिल सकती हैं, जिन्हें सुनकर आप लोग आज काफ़ी खुश दिखाई दे सकते हैं। और दोस्तों नौकरी पेशा लोगों को आज मनचाही जगह पर तबादला हो सकते हैं या फिर प्रमोशन भी होने के योग बन रहे हैं। और दोस्तों इस राशि के जो भी लोग काफ़ी लंबे समय से अपने नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे, तो उनकी कामना भी आज भगवान गणेश की कृपा दृष्टि से पूरी भी हो सकते हैं। और आप लोगों को बता दें दोस्तों कि वहीं आज के दिन परीक्षा प्रतियोगिताओं की तैयारी में जुटे लोगों को कुछ ऐसा बड़ा शुभ सूचना सुनने को प्राप्त होंगी, जिन्हें सुनकर वे लोग ऐसे में खुशी से नाचने लगेंगे और दोस्तों उनका ऐसे में खुशी का कोई तो ठिकाना ही नहीं रहने वाली है। और दोस्तों यदि आप व्यवसाय करते हैं, किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं, तो आज के दिन आप लोगों को काफ़ी अच्छा खास लाभ होने जा रहे हैं। आज आप लोगों को उम्मीद से कहीं ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होंगी, यानी कि आपने जितना सोचा नहीं होगा दोस्तों आपको उससे कहीं ज़्यादा लाभ की प्राप्ति आज होने के संकेत आपके ग्रह गोचर दे रहे हैं और आज आपके कारोबार के विस्तार की योजनाएं भी सफल होती हुई दिखाई देंगी। और दोस्तों सरकार जुड़े किसी भी प्रभावी व्यक्ति की मदद से आज के दिन आप लोगों को काफ़ी अच्छे लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। और कमीशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए आज का दिन बहुत ही खास और बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। आज उन लोगों को काफ़ी अच्छे इनकम होने की आशंकाएँ बन रही हैं और आज आपके हाथ में कोई बड़ा काम भी लग सकता है, जिनसे आपकी
पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएंगी। और दोस्तों, कामकाजी महिलाओं को आज अपने सीनियर और जूनियर से अपेक्षित सहयोग की प्राप्ति भी होंगी, जिससे उनके काम आज काफ़ी समय पर पूरे होते हुए दिखाई भी देंगे और उनके आज सहकार्य क्षेत्र में काफ़ी अच्छे भी बढ़ेंगे। और दोस्तों, आज सुख सुविधा से जुड़ी किसी भी चीज़ की प्राप्ति होंगी, जिनसे आपका मन आज काफ़ी प्रसन्न भी दिखाई दे सकते हैं। और वहीं आज आप लोग इस खुशखबरी को लेकर कहीं पर भी पिकनिक भी आप लोग मनाने जा सकते हैं। और प्रेम संबंध की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल रहने वाले हैं। दोस्तों, आज लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य काफ़ी अच्छे बनेंगे और आप उनके साथ आज काफ़ी सुखद पल भी बिताएंगे। और अगर आपके प्रेमी के साथ किसी प्रकार के विवादें काफ़ी लंबे समय से हो रही थी, तो उस परेशानियों से भी आज आप लोगों को मुक्ति मिल सकती है। और आज आपको अपने संतान पक्ष की ओर से कुछ ऐसे बड़ी शुभ सूचना सुनने को प्राप्त होंगी, जिनसे आपका समाज में आज काफ़ी अच्छा मान सम्मान बनेंगे और आपके पूरे परिवार में इसमें खुशियों का माहौल भी दिखाई दे सकते हैं।